पहले मैं सबको नमस्कार करता हूँ। तो ज़्यादा अब हम बोलेंगे जो शिव कुमार स्वामी जी, ये जो मेडिकल कॉलेज बनाया सिद्धा गंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मैंने वो 5 तारीख में, 5 फरवरी में वेस्ट बंगाल से आया, क्योंकि हमारा बेटी यहाँ पर पढ़ाई करता है अक्षय स्कूल ऑफ नर्सिंग में, और जो अभी 3rd ईयर में पढ़ता है, उसका बहुत बीमार था। वो उनके लिए मैंने तुरंत चला आया वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल का हमारा गांव का नाम है बादुरिया, और पोस्ट ऑफिस भी बादुरिया है, और वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है नॉर्थ 24 परगना। तो कलकत्ता से मैंने यहाँ चला आया आके उनके लिए मैं क्या करूँ, सोच तो यह कहो तो मैं कहाँ से ले जाऊँ, ये सोचते सोचते हमको पता चला यह एक हॉस्पिटल है। हम चला आया तो संडे को, तो चले आने के बाद और डॉक्टर साहब ने पहले उसको देखा और एडमिट किया, और 5 फरवरी में, और उसको एडमिट करने के बाद यह का जो पूरी सेवा है, तो आप उनको देखकर तो आश्चर्य हो गया। जो डॉक्टर साहब ने बार बार आता है, उसका ख्याल रखता है, नर्सेस भी उसका बहुत ये करता है। सबसे ज़्यादा जो इंचार्ज सर है, जो ईश्वर सर, उन्होंने भी देखता है जो जो एडमिट है लेकर हुआ है बेड में, वो जो रोगी है, रोगी के लिए सेवा कैसे चलता है। सबसे हम बोलेंगे जो उसके यहाँ का जो हॉस्पिटल का सेवा है, ऑल स्टाफ का सेवा बहुत अच्छा है। हमारा वेस्ट बंगाल में तो हम रहता है, तो वो ये बोलना है कि वेस्ट बंगाल में ऐसा सेवा तो हम तो नहीं, कभी सपना में नहीं देखा, जो ऐसे सेवा किसके लिए मैंने ये क्यों देता है, और जो बीमार आदमी के लिए। तो शिव कुमार स्वामी जी, उनका माता और पिता को, जो आत्मा को शांति दे ईश्वर, और सबसे मैं विनती करेंगे जो मनुष्यों के लिए सेवा, जो उनके सपने थे, ये सपना पूरा हो रहा है। वो जो स्टाफ है, पूरा स्टाफ बहुत अच्छे तरीक़ा से वो ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर देता है, और हमारा बेटी अभी भला हो गया आपका ये से आशीर्वादों से। और तो बेटी को छुट्टी हो गया, तो फिर आपको हम बोलेंगे जे ऐसे सेवा जारी रखने में मनुष्य को बहुत उपकार में लगेगा। नमस्ते।